अगर आप भी अपने मोगरे के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे दो खाद बताऊंगी जिसे आप अपने मोगरे के पौधे में डाल के आपका पौधा बहुत ही सुंदर ग्रोथ करेगा और बहुत ही ज़्यादा फूल और कलियों से भर जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये मोगरा का पौधा, इसमें अभी नई बड्स निकल रही है छोटी छोटी। तो इसको अभी करना क्या है, आपको सबसे पहला काम तो करना है दोस्तों आप जब भी नर्सरी से मोगरा का पौधा लाएं उसमें आप एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। नर्सरी में तीन किस्म का मोगरा का पौधा मिलता है, एक तो हाइब्रिड्स होता है और दूसरा देसी ब्रिड्स होता है और एक होता है दोस्तों लत वाला ब्रिड्स, जो वो भी मोगरा का ही है लेकिन जो लत वाला होता है उसे तो मैं नहीं लाई हूँ। मैं अपने पास दो ही तरह का लाई हूँ, एक हाइब्रिड्स है और एक देसी ब्रिड्स है। तो हाइब्रिड्स का पौधा में दोस्तों उसमें थोड़ा सा फूल बड़ा बड़ा आता है और देसी ब्रिड वाला इसमें थोड़ा छोटा फूल आता है, बस इतना का ही फर्क है। तो दोस्तों मोगरा में हम कौन सी खाद देने वाले हैं, ये जो आप देख रहे हैं मेरे कटोरी में, ये खाद से हमारे मोगरे के पौधे में बहुत सारे नए नए ब्रांचेस निकलेगी और पत्तियां एकदम पूरा हरी भरी रहेगी और हमारे पौधे का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहेगा और इसमें फूल भी भर भर के आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि हमारे मोगरे की जो गमले की मिट्टी होती है उस मिट्टी को आप इस तरह से कुड़ाई कर लीजिए चारों तरफ धीरे धीरे। दोस्तों इस तरह से कुड़ाई करने के बाद जितना भी मिट्टी कुड़ाई हुआ है दोस्तों उसको हमें यहाँ से हटा लेना है। कुछ इस तरह से इसको यहाँ से इस तरह से हटा लेना है सारी मिट्टी चारों तरफ का। ये देखिए जैसे मैं इसको निकाल रही हूँ इस तरह से आप निकाल दीजिएगा और निकाल के किसी बर्तन में रख लीजिएगा, मिट्टी फेंकिएगा नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने सारी मिट्टी यहाँ से निकाल ली हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ले लेनी है गोबर की खाद, आप चाहे तो बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। उसको लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आप इसके चारों तरफ इस तरह से डाल दीजिए, चारों तरफ डालने के बाद इस तरह हाथ से कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये जो है आप देख रहे हैं ये है सरसों का खल्ली। सरसों की खल्ली हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है फ्रेंड्स। सरसों की खल्ली आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं ताकि हमारा पौधा फूलों फलों से भरा रहेगा। सरसों की खल्ली एक ऐसा है दोस्तों जिसमें सरसों की खल्ली जो होता है दोस्तों वो एनपीके से भरपूर होता है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो दोस्तों इसको जो आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों, एक चम्मच, आप एक चम्मच सरसों की खल्ली इस तरह से चारों ओर फैला दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लेना है, ये जो आप देख रहे हैं ये है चाय पत्ती। आपको दोस्तों एक चम्मच चाय पत्ती लेना है। चाय पत्ती तो हमारे हर एक फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही लाभ होता है। तो दोस्तों एक चम्मच चाय पत्ती लेने के तो फिर चाय पत्ती लेने के बाद चाय पत्ती को भी आपको इस तरह से चारों तरफ दे देना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है ये जो आप देख रहे हैं ये है एप्सम सॉल्ट। इस एप्सम सॉल्ट को आप एक चम्मच लेके हमारे मोगरे के पौधे के चारों तरफ डाल दीजिए। एप्सम सॉल्ट जो होता है दोस्तों हमारे पौधों में फूलों आने फूल आने में मदद करता है और हमारे जड़ के जो
भाग है उसमें ग्रोथ होने में भी मदद करता है, और जितना भी कीड़े मकोड़े होते हैं, फंगस लगते हैं, वो सबको दूर करता है। तो आप ये सब डाल के दोस्तों इस तरह से मिला दीजिए, और फ्रेंड्स जो मिट्टी यहाँ से हम लोग निकाले थे उस मिट्टी को फिर से, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से ढक देंगे। ये देखिए, ज़्यादा नहीं देना है आपको मिट्टी, हल्का सा ही दीजिएगा, दो तीन मुट्ठा बस। उसका बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो पानी देख रहे हैं आप, इसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए। एक लीटर पानी डालने के बाद दोस्तों आप देखिएगा, हमारा पौधा कुछ ही दिन में फूलों और कलियों से भर जाएगा, और हमारे पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी, और नई नई ब्रांचेस भी निकलेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में, नमस्कार।